अभी टाइगर को चलाते हैं। ओ लुक एट यार, मतलब मेरा हाल ऐसे हो रहा है जैसे छोटे बच्चे के हाथ में कोई नया खिलौना लग जाता है ना। इन बाइक्स में इतना कंफर्ट है, इतना पावर है, इतना ग्रंट है, और स्पेशली ये जो इनलाइन थ्री का साउंड है ना, ये आपको मतलब उसका फैन बना देगा इनलाइन थ्री इंजन का। ऑल राइट, अ वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। अभी दोपहर के बज रहे हैं 2, और आज हम क्या चला रहे हैं आपको शायद पता चल ही गया होगा। दिस इज़ ट्रायम्फ टाइगर 900 GT। ये है 2022 मॉडल। अभी जो मॉडल आया है वो थोड़ा सा अपग्रेड होके आया है। इसको चलाते हैं। बहुत दिन से चलाने की कोशिश कर रहा था मैं, मगर आज फाइनली आई एम राइडिंग दिस ब्यूटी। और टाइगर तो टाइगर है, सबको ही पता है। तो ये है ट्रायम्फ टाइगर 900 GT। ट्रायम्फ टाइगर 900 रैली प्रो आता है, जिसमें आपके स्पोक्स आते हैं जो ऑफ रोड ओरिएंटेड है। अभी इसको हम चलाते हैं और देखते हैं कैसा फील होता है। मगर यार लुक एट दिस ब्यूटी, जस्ट लुक एट इट यार, मतलब आई डोंट हैव एनी वर्ड्स राइट नाउ यार, मतलब प्यार हो जाता है इस बाइक से। चलिए, ओहो ब्यूटीफुल कंसोल 7 इंच का, यहाँ पे ये पूरा का पूरा स्क्रीन है। काफी सारी चीजें इसमें मिलती हैं हमको, हीटेड ग्रिप्स है, क्रूज कंट्रोल है। चलिए, गुड आफ्टरनून टाइगर। वाओ, ओ हो, इनलाइन 3, वाओ। चलिए, हियर गोज द फर्स्ट गियर। टाइगर टाइगर है सच में। मतलब अभी मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ जो वो आपको ना दिखाऊँ, मगर कहीं ना कहीं वो आपको पता चल जाएगा। यार ये बाइक है कि रॉकेट है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। अभी इस बाइक के बारे में थोड़ी सी और बातें करते हैं, थोड़ा सा चलाते हैं। पहले मैं थोड़े से मज़े लूँ राइडिंग के, उसके बाद आपको बताऊँगा ये क्या क्या चीजें हैं इसमें। वाओ, मजा आ रहा है यार। मतलब अभी मैं चला रहा हूँ टाइगर 900 GT। जो टाइगर 900 रैली प्रो आता है वो स्पोक्स के साथ आता है, वो ऑफ रोड ओरिएंटेड है। ऐसा नहीं है कि आप GT वाले मॉडल से जो मैं चला रहा हूँ इससे ऑफ रोडिंग नहीं कर सकते, इससे भी कर सकते हैं, मगर सीरियस ऑफ रोडिंग आपको करनी है, आपको जंप्स करनी है, और बहुत ज़्यादा मतलब आप सीरियस ऑफ रोडिंग में है, ट्रेल्स करनी है, देन रैली प्रो इज़ रिकमेंडेड। वाओ, at the brakes. Oh, अभी जो 2024 में और 23 में मॉडल आया है वो अपग्रेड होके आया है GT का, और इस वाले की स्पेसिफिकेशंस आपको थोड़ी सी बता देता हूँ। 94 PS पावर जनरेट करता है, 888 cc ऑफ पावरफुल इंजन, 87 Nm का टॉर्क है, जो कि आपको भर भर के मिलता है। मतलब आप जब इस बाइक पे बैठते हैं ना, मतलब स्पेशली ये जो विसल साउंड है ट्रायम्फ का इनलाइन 3 का, ये बहुत सही है। 2016 में मेरे पास थी ट्रायम्फ स्ट्रीट ट्रिपल 675, और तभी से मतलब ये साउंड जो है ना, ये मेरे दिमाग में बसी हुई है। उसमें तो खैर एरो का एग्जॉस्ट लग रहा था, आप इसमें भी लगा सकते हैं, मगर इसकी साउंड जो है वो बिना एग्जॉस्ट के ही अच्छी है। मतलब जो स्टॉक एग्जॉस्ट आता है उसके साथ ही बहुत अच्छी आती है। इतना बड़ा TFT है 7 इंचेस का, आपको सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर दिखती हैं इसमें, ब्राइट सनलाइट है। अभी इसमें भी आई एम एबल टू रीड एवरीथिंग सो इजीली। और एक बात बताऊं आपको, ये बाइक देखने में हैवी लगती है, हैवी नहीं है। इट्स ओनली 194 kg कर्ब वेट, और चलाने में तो इतनी लाइट लग रही है कि पूछो मत। बिल्कुल भी इंटिमिडेटिंग नहीं है,
आपको स्केयर नहीं करेगी ये बाइक, आपको जहाँ पे पावर चाहिए आपको वहाँ पे पावर मिलेगा। आप आराम से चलाइए, प्यार से चलाइए, ये बाइक अडेप्ट कर लेती है आपका राइडिंग स्टाइल, मगर जहाँ आपको पावर चाहिए आपको पावर भर भर के मिलेगा। इसका जो फ्रंट व्हील है 19 इंचेस है और जो रियर है वो है 17। ये कलर भी बड़ा प्यारा है, वाइट, इट्स अ वाइट टाइगर। ओहो, मतलब विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स स्पीड्स कन्वर्ट हो जाती है आपकी ट्रिपल डिजिट्स में। 20 लीटर्स का फ्यूल टैंक आता है यार, आप जितना मर्जी जाओ। आई थिंक माइलेज भी इसका 21, 22, 23 के आसपास है। ये बाइक है विशाल भाई की, विशाल भाई हमारे साथ ही राइड करते हैं कभी कभी, ओकेजनल संडे राइड वगैरह, और वैसे ही मुलाकात होती रहती है, हम नेबर ही हैं। तो आज मैंने सोचा चलो आज विशाल भाई की टाइगर पे हाथ साफ करा जाए। ये बाइक्स इतनी कंफर्टेबल होती है ना लॉन्ग राइड्स के लिए, मतलब इन पे आप बैठ के कितना भी डिस्टेंस कवर कर सकते हैं एक दिन में। सीटिंग बहुत कंफर्टेबल है इसमें, अभी सीट में आपको कहीं पे रुकेंगे तब दिखाऊंगा। इसमें डली है जो लोअर सीट ऑप्शन आता है टाइगर का, वो है 800 mm। जो इसमें स्टॉक सीट आती है वो आती है 820 mm, और मतलब आप अगर 5'6", 5'5" भी हैं तो भी इस बाइक को आराम से चला सकते हैं विदाउट एनी डिफ़िकल्टी। सबसे मेन बात ना, हमको लगता है कि 900 cc है तो बहुत, मतलब ऐसा हुआ कि बाइक आपको एकदम स्केयर करेगी, नहीं बिल्कुल नहीं है। अभी आप आराम से चलिए, अभी जैसे मैं थर्ड गियर में चल रहा हूँ, बहुत आराम से, कोई नॉकिंग नहीं इंजन में, कुछ नहीं है। मेरे को जहाँ पे पावर चाहिए ये बाइक इंस्टेंट पावर प्रोवाइड करती है वहीं पे। देखिए, लुक एट द डिजिट्स, मतलब इतनी जल्दी डिजिट्स चेंज होते हैं इसके के मैं बता नहीं सकता आपको। बाकी और ज़्यादा स्पेसिफिकेशंस आप लोग इसकी ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, जो मेन थी वो मैंने आपको बता दी। अभी मेरे को सिर्फ मज़ा लेना है इसको चलाने का यार, अभी मुझे लग रहा है कि एक बड़ी बाइक की ज़रूरत सी लग रही है। ये तो यार रहता ही है, जो राइडर्स हैं उनको आप कितनी भी बाइक्स दे दो, एक एडवेंचर होनी चाहिए, एक क्रूज़र होनी चाहिए, एक कैफे रेसर होनी चाहिए, एक क्लासिक होनी चाहिए, मतलब हर तरीके की बाइक चाहिए हमको। हैंडलिंग बहुत कंफर्टेबल है इसकी, एकदम अपराइट बैठा हूँ मैं, बिल्कुल जैसे कि आरामदायक एक चेयर पे बैठा हूँ, और पूरे दिन मैं इस बाइक को चला सकता हूँ पूरे दिन। क्रूज़ कंट्रोल इसमें आता है, हीटेड ग्रिप्स इसमें आती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो कि थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में। जब आप इस बाइक को मूव करते हैं, मैनूवर करते हैं ना, तो इतनी अच्छी बैलेंसिंग है, आपको कहीं पे ऐसा नहीं लगेगा कि यू आर लूजिंग आउट ऑन द कॉन्फिडेंस पार्ट, या बाइक का वेट है थोड़ा सा हैवी साइड पे है। 194 kg, मेरे को तो लग रहा था यार ये 215+ होगी, अभी जो नई वाली आई है आई थिंक वो 200+ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने अभी चेक नहीं करा है, मगर ये वाली 194 kg है। अभी इसको थोड़ा सा हाईवे पे लेके चलते हैं, अभी टाइगर को चलाते हैं। ओ लुक एट यार, मतलब मेरा हाल ऐसे हो रहा है जैसे छोटे बच्चे के हाथ में कोई नया खिलौना लग जाता है ना। ये बाइक्स टूरिंग के लिए इतनी परफेक्ट रहती हैं, आप लॉन्ग टूर पे जाएंगे, आप क्रूज़ कंट्रोल लगा दीजिए 125-130 के आसपास, जो कि आइडियल हमारी इंडियन हाईवे क्रूजिंग स्पीड रहती है, आराम से चलिए। जहाँ पे आपको डिस्टेंस कवर करना है ये बाइक्स आपके लिए डिस्टेंस भी इतनी जल्दी कवर करती हैं, प्लस ये कंफर्ट इतना है ना कि मैं बता नहीं सकता, बहुत कंफर्टेबल है इसकी सीट। और अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो आप स्टॉक सीट के साथ ही रह सकते हैं, वो है 820 भी ज़्यादा नहीं है, हमारे हिमालयन की स्टॉक आती है 825, लोअर आती है 805। इंजन काफ़ी स्मूथ है, अभी तक मेरे को कोई एज सच वाइब्रेशंस फील नहीं हुए ना फुटपैग्स में ना हैंडल बार में। और जो नया वाला मॉडल आया जो अभी अपग्रेडेड आया है उसमें तो अगर थोड़ा बहुत इसमें बज है भी, क्योंकि कहते थे हल्का सा बज आता है फुटपैग्स में और अंडर द सीट, और वो भी एकदम ख़त्म कर दिया है। और हल्का सा जो हैंडल बार में इन्होंने आई थिंक जो न्यू मॉडल है उसमें हैंडल बार में कुछ चेंजेस करे हैं, कुछ लगाया है आई थिंक, जो कुछ रबर पार्ट्स ऐड करे हैं जिसके चलते जो वाइब्रेशन है वो हैंडल बार में से जो बस था थोड़ा सा वो कम हो गया है।
मगर एज सच अभी भी मुझे कुछ फील हो नहीं रहा है। देखिए आप अगर प्रॉपर राइडिंग ईयर्स, ग्लव्स वगैरह सब पहन के चलाते हैं तो ऑब्वियसली वाइब्रेशंस होती है ना, वो आपकी बॉडी में ज़्यादा पास ऑन नहीं होती हैं। टाइगर 1200 रोहित माइकल सर की जो हमने चलाई थी लास्ट ईयर, एक ट्रिप पे भी लेके गए थे, वो तो भाई रॉ मशीन है, बहुत मज़ा आता है। और 900 1200, ये अगर आपने टाइगर की जो सीरीज़ है ये चला ली, तो लिटरली आपको कोई और बाइक हार्डली ही पसंद आएगी, क्योंकि इन बाइक्स में इतना कंफर्ट है, इतना पावर है, इतना ग्रंट है, और स्पेशली ये जो इनलाइन 3 का साउंड है ना, ये आपको मतलब उसका फ़ैन बना देगा इनलाइन 3 इंजन का। तो आप और बहुत सारी कंपेटिटर्स हैं इस सेगमेंट में, अगर आप किसी और पे हाथ नहीं डालेंगे अगर आपने एक बार टाइगर चलाई तो। फिर भी सबकी अपनी चॉइस है, सबका अपना बजट रहता है। इसकी टॉप स्पीड आई थिंक 200 प्लस है, और मेरे को लग रहा है वो इजीली अचीव हो जाती होगी, क्योंकि मैंने अभी थोड़ा सा थ्रॉटल दिया, 150 इजीली विदाउट एनी एफर्ट। एकदम अपराइट बैठते हो आप, एकदम अपराइट, मतलब जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो मैं बोलता हूँ इस बाइक में मेरे को राइजर डालने की ज़रूरत है, नहीं इसमें नहीं बोलूँगा। जो कमेंट्स आते हैं ना मेरे को, जो अपने व्यूअर्स हैं, वो बोलते हैं भाई आप हर बाइक में राइजर डाल दो, नहीं भाई टाइगर में नहीं डालूँगा, और ना ही मैंने हिमालयन में डाला है, हिमालयन में हैंडल बार चेंज करा है बस, क्योंकि ये है यार मतलब स्टॉक ही इतना कंफर्टेबल है। मेरी हाइट 5'9" है, मेरे हिसाब से परफेक्ट है, और मेरे इस पे दोनों जो दोनों फीट फ्लैट आते हैं, एकदम फ्लैट, क्योंकि इसमें है अभी 800 mm की जो सीट है, जो लोअर सीट आती है टाइगर 900 GT की, और 820 में भी आई थिंक दोनों फ्लैट के आसपास आ ही जाएंगे। वेट डिस्ट्रीब्यूशन इनका बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा वेट डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब आपको कैसे नहीं लगेगा कि बाइक इधर उधर जा रही है, आप अगर ट्रैफिक में भी इसको मैनूवर करेंगे ईजिली। सो टर्न्स एंड ट्विस्टीज, मतलब घाट सेक्शन में तो मज़ा आता है इनको चलाने में बहुत। वाइब्रेशंस बिल्कुल नहीं है जो कि आपकी बॉडी में पास ऑन होंगी, तो जो बॉडी फटीग है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट ज़ीरो के बराबर रहता है, आप थकते नहीं हैं, और अगर आप थकते नहीं हैं, आप फ्रेश हैं, तो ऑल डे लॉन्ग यू कैन राइड, और मज़ा आता है उस राइड में। फिर आप देखिए मैं 6th gear पे हूँ, वाह तो अपनी राइड खत्म हुई। और यार मतलब जितना मैं बोलूं टाइगर के बारे में उतना कम है, मतलब दिस बाइक इज नेक्स्ट टू ऑसम, बहुत मजा आता है इसको चलाने में। ये है टाइगर 900 GT, इसका जो ऑफ रोड वेरियंट आता है वो आता है टाइगर 900 रैली प्रो, इंडिया में जो आता है 94 PS की पावर जनरेट करता है, 87 Nm का टॉर्क है जो कि बहुत पावर देता है आपको, बहुत पावर। हैंडलिंग बाइक की मेरे को बहुत अच्छी लगी, बाकी अगर आप थोड़े से ऑफ रोड ओरिएंटेड हैं, आप ऑफ रोड फोकस्ड बाइक चाहते हैं, तो आप इसका ये वाला मॉडल ना लेके आप रैली प्रो ले सकते हैं, क्योंकि इसमें स्पोक्स आते हैं, आपको जंप्स करानी है, आपको ट्रेल्स करनी है, दैट विल बी सो इजी फॉर यू। अभी काफ़ी सारी चीज़ें तो मैं आपको बता चुका हूँ बाइक के बारे में। फ्रंट में इसमें आता है 19 inches विद अलॉयज, रियर में आता है 17 inches विद अलॉयज, और 150 section है जो रियर है, फ्रंट है 100 section। ट्रायम्फ टाइगर का ये जो डिज़ाइन है ना, मतलब दिस इज़ जस्ट ऑसम, ये मेरे को मतलब सबसे प्यारा लगता है एडवेंचर बाइक्स में, जो इसका ये वाला है, रियली ऑसम। जो 1200 आती है टाइगर 1200, वो लास्ट टू लास्ट ईयर मैंने उसको ट्रिप्स पे चलाया है, रोहित माइकल सर की बाइक थी वो, तो मतलब इतना पावर है उस बाइक में कि आप सोच भी नहीं सकते, क्रेजी। बाकी यार जितना मतलब बोलूँ इस बाइक के बारे में उतना कम है। 7 inch का TFT मिलता है आपको, यहाँ पे अभी मैंने दिखाया था आपको राइड करते हुए, सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको इसमें। हीटेड ग्रिप्स हैं, क्रूज़ कंट्रोल है, हाईवे पे जाइए क्रूज़ कंट्रोल लगाइए, आराम से क्रूज़ करिए। टॉलर विंडस्क्रीन है, आई थिंक ये एडजस्टेबल, मुझे नहीं एडजस्टेबल है, बट आपको शायद इसको, आपको इसके लिए वो लगेगा, टूल लगेगा। और विंड ब्लास्ट बिल्कुल नहीं आया, एटलीस्ट मेरे हेलमेट तक तो बिल्कुल नहीं था, सारा कट के जा रहा था। हैंडलिंग सुपर कंफर्टेबल,
एकदम आप अपराइट बैठते हैं, आप लॉन्ग टूर्स पे जाइए, लॉन्ग डिस्टेंसेस आराम से कवर करेंगे। दिस इज द सीट विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट। ये है लोअर सीट ऑप्शन जो है 800 mm, और 5.5-5.6 भी आराम से चला सकते हैं। इसके बाद अभी मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ, मेरे इस पे दोनों पैर आराम से आते हैं, दोनों पैर फ्लैट फीट। आई एम 5'9" और आई थिंक अगर मेरे से 3-4 इंच छोटा बंदा भी होगा उसके भी आई थिंक आराम से पैर इस पे आ जाएंगे। बहुत लाइट है बाइक यार, ये बाइक बहुत लाइट है, देखने में लगता है कि हैवी है मगर इट्स वेरी लाइट। आप एक हाथ से इसको आराम से, मतलब मैं जब हिमालयन को करता हूँ ना तो थोड़ा सा फिर भी मेरे को लगता है, मगर दिस इज वेरी इजी यार, वेरी इजी। 194 kg है इसका कर्व वेट, मगर आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा, स्पेशली दिस इंजन मतलब इस इंजन की जितनी तारीफ करो उतनी कम है। इनलाइन 3 और जो ये एग्जॉस्ट साउंड प्रोड्यूस करता है ना, जो ट्रायम्फ में वो जो विसल आती है उसका जवाब नहीं है, दीवाने हैं उसके लोग इंक्लूडिंग मी। बाकी यार देखिए इस पे और एक आधी राइड पे चलेंगे विशाल भाई के साथ, इस बाइक को और चलाएंगे और मज़ा करेंगे। अभी ये रिव्यू नहीं है, दिस इज़ जस्ट माई राइड एक्सपीरियंस, ये रिव्यू नहीं है, काफ़ी बाइक मार्केट में बहुत पहले से है, दिस इज़ नॉट अ रिव्यू, दिस इज़ जस्ट अ राइड एक्सपीरियंस विच आई एम शेयरिंग विद यू ऑल। मेरे को बहुत अच्छी लगी बाइक, और अब जाइए टेस्ट राइड लेनी है तो ट्रायम्फ के शोरूम में टेस्ट राइड्स आई थिंक अवेलेबल होंगी फॉर श्योर। बाकी ये छोटा सा वीडियो था, कैसा लगा आप मेरे को बताना, और अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं जल्दी से, टिल द नेक्स्ट वीडियो, यू गाइस टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।